ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन. आज हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे, वॉल्व्स. ठीक है, वॉल्व्स के नाम हम याद रख लेंगे. दूसरी चीज आज के क्लास में हम देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी क्या रहता है, कल के क्लास में मैंने बताया था, हार्ट से जो प्यूरिफाइड ब्लड निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो हार्ट के ही मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है ना, उसको कैरोटिड, सॉरी 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 सॉरी, मैंने भी वही गलती किया, सॉरी सॉरी सॉरी, कोरोनरी. ठीक है, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं. ठीक है, और तीसरी चीज आज जो अपन देखेंगे वो रहेगा जनरल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट. जनरली हार्ट में से कब ब्लड अंदर आता है, कब बाहर जाता है, उसके बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो सब मैं टाइम आने पर बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, लेकिन ये तीसरी चीज अपने को आज देखना है. तो ये तीन चीजें आज के क्लास में हमको कवर करनी है. तो सबसे पहले आते हैं हम वॉल्व्स के ऊपर. व्हाट आर वॉल्व्स? तो वॉल्व्स मतलब ऐसी चीज, वॉल्व मतलब ऐसी चीज विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ अ लिक्विड और अ गैस. ठीक है, बैक फ्लो ऑफ अ लिक्विड और अ गैस. एग्जाम्पल, तुम्हारा जो नल होता है उसमें वॉल्व होता है, वॉल्व. ठीक है, इसलिए पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. ठीक है, चलो नल का वॉल्व वगैरह तो छोड़ो. तुम्हारा जो गैस होता है, गैस मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार इंग्लिश में, याद ही नहीं आ रहा है, छोड़ो. और वॉल्व किस में मिलेगा, और अपने को अपने चक्के में, व्हील्स में मिलेगा. अब बाइक के चक्के में वगैरह तो वैसा नहीं होता है, लेकिन तुमने बचपन में जब साइकिल चलाते होंगे तुम लोग, तो एक चीज तुमने एक्सपीरियंस की होगी. साइकिल में जनरली ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है अपने को, कि अपन हवा भरते हैं साइकिल के चक्के में बचपन में, और फिर वो हवा तुरंत निकल जाती है. फिर हम फिर से हवा भरते हैं तो फिर से निकल जाती है. फिर हम जाते हैं वो पंचर वाले के पास, उसको बोलते हैं कि मेरी साइकिल शायद पंचर है. फिर वो पंचर के लिए चेक करता है. ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तुम्हारे साथ कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो पंचर चेक करता है तो पंचर तो निकलता नहीं है. ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि इसका वॉल्व खराब हो गया होगा, फिर वो वॉल्व चेंज करके देता है. ऐसा एक्सपीरियंस शायद तुम्हारे पास आया होगा. ठीक है, तो नल में वॉल्व रहता है, चक्के में वॉल्व रहता है. ठीक है, अपना जो कोई भी ऐसी चीज जिसमें अपने को बैक फ्लो प्रिवेंट करना है किसी लिक्विड और गैस का, उसको, उस चीज को अपन बोलते हैं वॉल्व, जिससे अपन बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. बैक फ्लो प्रिवेंट कर रहे हैं मतलब बैक फ्लो नहीं होने दे रहे. ठीक है, तो फॉरवर्ड फ्लो तो होने दे रहे ना, इसका मतलब बैक फ्लो नहीं होने दे रहे, इसका मतलब फॉरवर्ड फ्लो तो हो ही रहा है ना. तो वॉल्व को अपन एक और तरीके से बोल सकते हैं, अपन एक और चीज बोल सकते हैं वॉल्व के बारे में, कि अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, एक तो बैक फ्लो अवॉइड करने वाली चीज है, उसी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट अलाउ करेगा उसको हम बोलेंगे वॉल्व. ठीक है, तो ये वॉल्व अपने को क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन ने जो अपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, अब ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये है पल्मोनरी वेन जो लंग्स है, इसके दो ओपनिंग्स होते हैं लेफ्ट एट्रियम में, और फिर इधर से, वैसे वो कल अपन ने देखा था कि राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स की तरफ जाने वाला ब्लड वेसल था वैसा इधर से जा रहा था, इधर से, और इधर से भी जाने वाला जो ब्लड वेसल था टिश्यूज की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो सिस्टमिक एरोटा भी ऐसे निकल रहा था, है ना, फिर ऐसे निकल के ऐसा घूम के नीचे जा रहा था, और ये आर्क, ठीक है, एरोटिक आर्क पे ऐसे तीन ब्रांचेस थी, बराबर है. पर अगेन वैसा सब उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा मैं, तो एकदम घटिया सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा. अपने को बस वॉल्व देखने हैं, हार्ट की ज्योमेट्री नहीं देखनी है. ठीक है, अब देखो, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली जाएगा, है ना, रिस्पेक्टिवली यानी यहां से इसमें, यहां से इसमें, बराबर। पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें यहां पर तो ओपनिंग है ही, ठीक है, यहां पर तो ओपनिंग है ही, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तो ओपनिंग है ही, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो पंप कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रेशर जो जनरेट होगा उसके कारण ऑफकोर्स अंदर का जो ब्लड है वो इधर तो मूव करेगा ही, नो डाउट इन दैट, इधर का ब्लड इधर तो मूव करेगा ही, नो डाउट इन दैट, लेकिन यहां पे भी तो ओपनिंग है, यहां पे भी तो ओपनिंग है, यहां पे भी तो ओपनिंग है, तो ब्लड इसमें भी घुसेगा, इसमें भी घुसेगा, इसमें भी घुसेगा, मतलब बैक फ्लो होगा ना, यहीं से ब्लड आया, इधर से ही ब्लड आया, और जब ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वापिस जहां से आया वहां पर भी तो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लड तो घुसेगा, लेकिन वैसा बैक फ्लो अपने को प्रिवेंट करना है, तो यहां पर इन ओपनिंग्स पे अपन लगा देंगे वॉल्व, बराबर है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में और सिस्टमिक एओर्टा में, है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, टुवर्ड्स द लंग्स जाएगा इसलिए, पल्मोनरी अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है इसलिए आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये सिस्टमिक एओर्टा, इसमें ब्लड जाएगा, लेकिन इधर भी तो ओपनिंग है, इधर भी तो गड्ढा है ना, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सिर्फ इसमें थोड़ी जाएगा, लॉजिकली तो इधर भी घुसेगा, तो एट्रिया में अपने को ब्लड जाने से रोकना है, वो बैक फ्लो अपने को रोकना है, अगर इधर और इधर चले गया ब्लड तो फिर वो तो बैक फ्लो हो जाएगा, बैक फ्लो अपने को रोकना है तो अपने को यहां पर और यहां पर भी वॉल्व लगेगा, ठीक है। दूसरा, जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा में घुस चुका रहेगा उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स करने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर घटेगा पर इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो अगेन हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर के कारण ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में आ सकता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा, वापस उनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ब्लड आ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इनमें भी पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा में भी अपने को वॉल्व लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने को वॉल्व्स कहां कहां पर लगाने पड़ेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। दूसरा यहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तीसरा यहां पर इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग में, चौथा यहां पर सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग पे, पांचवा यहां पर पल्मोनरी वेन के ओपनिंग पे, छठवा इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में, कि ब्लड सिर्फ इधर ही जा सके, वापस ना आ सके ब्लड, है ना, और सातवां सिस्टमिक एओर्टा के ओपनिंग में, सिस्टमिक एओर्टा में, है ना। तो सात जगहों पर अपने को वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट है, ये तो अपने को अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उतना मालूम है। यहां पर दो ओपनिंग्स रहेगी पल्मोनरी वेन की, मैं एक ही बना रहा हूं, ऑफकोर्स रहेगी दो ओपनिंग्स, कल के डायग्राम में अपन ने देखा भी था, ठीक है, दोनों में सेम ही प्रकार की चीज रहेगी, सेम ही प्रकार का वॉल्व रहेगा, तो इसको मैं पांच नंबर ही देता हूं, ठीक है। एरोज ध्यान रखना, इधर से ब्लड अंदर आना चाहिए, इधर से ब्लड अंदर आना चाहिए, इधर से ब्लड नीचे जाना चाहिए, इधर से ब्लड बाहर, इधर से भी ब्लड बाहर, बस इसके अलावा और कोई डायरेक्शन में फ्लो नहीं होना चाहिए, ब्लड इधर से इधर नहीं जाना चाहिए, इधर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर से अंदर नहीं आना चाहिए, अपोजिट चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए कंपल्सरी, बराबर है। तो वॉल्व्स के नाम अभी अपन देखते हैं, पहला मतलब राइट साइड में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहां पर प्रेजेंट रहेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में,
है ना, सेप्टा मैंने वॉल, वॉल्व नहीं सेप्टा मैंने वॉल, ये वाला वॉल, दीवार वाला वॉल है ना। और अपने को क्या स्टडी करना है, अपने को वॉल्व स्टडी करना है, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है एक नंबर वाला, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि उसमें तीन कस्प्स रहते हैं, कस्प्स ठीक है, तीन रहते हैं। वेयर एज जो ये राइट वाला हो गया है ना, वेयर एज एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व ऑन लेफ्ट साइड जो है, ठीक है, मतलब ये नंबर टू, उसका नाम है बाय कस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें दो ही कस्प्स रहेंगे, इसलिए बाय कस्पिड वॉल्व, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मित्रल वॉल्व, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मित्रल वॉल्व, ठीक है, याद रखना आसान है। देखो लेफ्ट साइड में क्या रहता है, प्योर प्योर ब्लड रहता है ना, तो दो मित्र है ना, मैत्री यानी दोस्ती कैसे रहनी चाहिए, हमेशा प्योर रहनी चाहिए, इम्प्योर नहीं रहनी चाहिए, उसमें निगेटिव फीलिंग्स नहीं रहनी चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग्स रहनी चाहिए। तो दो मित्रों की प्योर मैत्री, सिंपल बात है, बाय का स्पीड प्योर वाले में रहेगा, मित्र मित्रल वॉल्व, सिंपल, ठीक है। तो ये दूसरा दूसरा नंबर भी हो गया। फिर तीसरा नंबर है इन्फीरियर वेना कावा वाला, तीसरा नंबर इज फॉर ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग है, देखो आई एक वॉवेल है ना, ई भी एक वॉवेल है, यू भी एक वॉवेल है, तो वॉवेल वॉवेल की दोस्ती, अर दोस्ती वर्ड गलत यूज कर दिया मैंने, कंफ्यूज करोगे फालतू में ये वाले मैत्री से, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। आई इज अ वॉवेल, ई यू इज अ वॉवेल, आर वॉवेल्स, तो यूस्टेचियन वॉल्व, ठीक है। इसको गलती से भी किस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है, तो यूस्टेचियन ट्यूब से गलती से भी कंफ्यूज नहीं करना है। यूस्टेचियन ट्यूब अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में भी देखा था, जब अपन टिश्यूज का वो बना रहे थे, क्या कहते हैं उसको, टेबल, उसमें भी यूस्टेचियन ट्यूब आया था। और फिर नर्वस सिस्टम में, ईयर में तो आया ही था यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब वहीं पे रहता है ना, फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है ईयर को, तो टिम्पेनम के अराउंड एयर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैंने बताया था बचपन में हम लोग कूलर के सामने खड़े रहते हैं, तो फिर अपने ऐसे कान ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर अपन जब ऐसा जोर से यॉनिंग करते हैं, मुंह खोलते हैं, मुंह फाड़ते हैं जोर से, तो ऐसा कान में टक से कुछ तो भी खुलता है, तो दैट इज नथिंग बट द एक्सेस एयर इन द ईयर बीइंग टेकन टू द फेरिंग्स थ्रू द यूस्टाचियन ट्यूब, ऐसा बताया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, ईयर पढ़ाते वक्त। तो ये वो वाला स्टेचुएन ट्यूब है, उसके साथ अपने को इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नाम सेम है, लेकिन ये वॉल्व है, ये ट्यूब है, ये हार्ट में मिलेगी अपने को इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग में, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो ये सब जो चीजें मैं बोलता हूँ ना, ये सब भी लिख के रखा करो, ये ट्रिक्स वगैरह जो मैं बताता हूँ ये सब भी लिख के रखा करो, ये भी लिख लेना यहाँ पर, मित्र प्योर होना चाहिए, मैत्री दो दोस्तों की, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद चौथा नंबर, चौथा नंबर अपन ने किसको दिया है, चौथा नंबर अपन ने दिया है सुपीरियर वेना कावा को, पांचवा नंबर अपन ने दिया है पल्मनरी वेन को। तो चौथा एंड पांचवा मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। चौथा एंड पांचवा क्या है, चौथा एंड पांचवा है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग्स ऑफ
पल्मोनरी वेन, ठीक है, इनको कौन गार्ड करता है, मतलब बैक फ्लो कौन रखता है, तो इसमें कोई वॉल्व नहीं है, इसमें ऑब्लिक ओपनिंग है, ऑब्लिक ओपनिंग। ऑब्लिक ओपनिंग मतलब क्या? अच्छा एक और चीज लिख देता हूं, ऐसा ही ऑब्लिक ओपनिंग ना, ऐसा ही ऑब्लिक ओपनिंग एक और जगह पर मिलता है, यूरेटस रहते हैं ना जो किडनी से यूरिन लेकर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो उनको भी कोई वॉल्व गार्ड नहीं करता है। ठीक है, उनका भी ऑब्लिक ओपनिंग है। ऑब्लिक ओपनिंग मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यूरिनरी ब्लैडर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज ऐसा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, तो इधर से ऐसा एक यूरेटर आया, इधर से ऐसा एक यूरेटर आया, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल बनाने की कोशिश करके देखता हूँ, जमा 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 है ना। यूरिनरी ब्लैडर को अपन ने क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे काटा है, ठीक है, तो इसका बाहर निकला हुआ जो पोर्शन था उसको मैंने ऐसा निकाल के बाजू में रख दिया है, दिख रहा है रखा हुआ, ठीक है, तो इसलिए यूरिनरी ब्लैडर अपने को हेमिस्फीयर दिख रहा है सिर्फ, ठीक है, थ्री डायमेंशनल बनाने की मैंने इसको कोशिश की है घटिया सी, ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसा खुलेगा, रुको एक सेकंड, और अच्छा डायग्राम बना सकता हूँ मैं, ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर को काटा, ठीक है, ये आए यूरेटर्स, लेफ्ट किडनी से यूरेटर, राइट किडनी से यूरेटर, ठीक है, यहां से घुसे अंदर यूरिनरी ब्लैडर के। अब अंदर घुसने के बाद अंदर क्या होगा, ये ऐसे खुलेंगे, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे नहीं खुल रहे, सीधा नहीं खुल रहे, ऐसे सीधा नहीं खुल रहे, ऐसे अंदर आके राइट एंगल पे, ठीक है, ऐसे ही यूरेटर्स अंदर घुसे यूरिनरी ब्लैडर में, और जब अपन यूरिनरी ब्लैडर को काटेंगे तो अपने को ऐसा उसके अंदर यूरेटर ऐसा सीधा सीधा नहीं दिखेगा, अंदर घुसने के बाद वो ऐसा कॉपी के बाहर आएगा, समझ में आ रहा है, ऑब्लिक ओपनिंग, ठीक है, तो ऑब्लिक ओपनिंग होने के कारण बैक फ्लो प्रिवेंट होगा, तो यूरेटर्स का जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग रहता है वो भी ऑब्लिक रहता है, ऐसा ही ऑब्लिक ओपनिंग सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स का है इन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम रिस्पेक्टिवली। तो ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन आर गार्डेड बाय ऑब्लिक ओपनिंग, कोई उसमें वॉल्व नहीं है, और ऐसा बायोलॉजी में अपने को और कहां मिलता है, तो ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स इन यूरिनरी ब्लैडर, उनका भी सेम सिस्टम है, ठीक है। रही छठी बात, छठवीं चीज क्या है, सिक्स एंड सेवंथ में साथ में लिखूंगा अगेन, सिक्स एंड सेवंथ क्या है, तो सिक्स एंड सेवंथ है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा, ताकि इनमें से ब्लड वापस राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रिस्पेक्टिवली नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इनकी ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय, इनकी ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय सेमी लूनर वॉल्व्स, इनकी ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय सेमी लूनर वॉल्व्स, सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब मून, हाफ मून, ठीक है, सिकल शेप्ड, सी शेप्ड तो भी बोलना है, बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड, ठीक है, तो सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक, तो क्या क्या हो गया, दिस
एंट्रेंस इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस एंट्रेंस इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल्व, दिस एंट्रेंस इज गार्डेड बाय इन्फीरियर, तो उसका यूट्यूब यूट्यूब क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका वॉवेल ईयू ईयू है ना, ईयू वॉवेल है, इन्फीरियर भी का आई भी वॉवेल है, तो उसका ईयू ठीक है, पता नहीं ईयू से मैंने यूट्यूब क्यों बोल दिया, दिमाग खराब हो गया घर में रह रहे के लग रहा है। ठीक है, तो इन्फीरियर इन्फीरियर वेना कावा का ओपनिंग यूस्टेचियन वॉल्व, सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग कोई वॉल्व नहीं रहेगी, क्या रहेगा, सीधा ऑब्लिक ओपनिंग रहेगा, इसको इधर ही जाना चाहिए ब्लड, वापस नहीं आना चाहिए, इधर भी इधर ही जाना चाहिए ब्लड, वापस नहीं आना चाहिए, कौन गार्ड करेगा, सेमिलुनर वॉल्व गार्ड करेंगी। ठीक है, तो वॉल्व ऑफ हार्ट अपने को अभी पता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉल्व वाला पार्ट, अभी अपन बढ़ते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की तरफ। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, तो इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आएगी वो अभी ध्यान से सुनेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज कोरोनरी आर्टरीज, तो ये अपन ने कल के क्लास में ही देख लिया है ना, कल के क्लास में अपन ने बोला था कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऐसा एओर्टा जनरेट, ऐसा एओर्टा तैयार होगा है ना, ऐसा सिस्टमिक एओर्टा, मैं तो ऐसा इधर से बना देता हूं गंदगी न हो करके, लेकिन रियलिटी में अपने को पता है कि वो इस तरफ जाता है ना, और फिर ऐसा एओर्टिक आर्क बनाकर नीचे घुसता है ना, और एओर्टिक आर्क पे तीन ब्रांचेस रहती है बराबर, तो ये जब जनरेट होता है, जब चालू होता है सिस्टमिक एओर्टा, तब स्टार्टिंग में ही राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में वो ब्रांच हो जाता है, फिर इसके फर्दर और ब्रांचिंग, फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के फर्दर और ब्रांचिंग्स, ऐसे ब्रांच ब्रांच कर करके वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज करती है, ये अपने को पता है ना, कोरोनरी आर्टरी को अपने को किस चीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, तो अपने को उसको कंफ्यूज नहीं करना है विद कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी है ना, ये ऐसा आया कल के क्लास में अपन ने देखा था, इससे तीन ब्रांचेस निकलेंगी, राइट वाली ब्रांच जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन बोलेंगे अपन, बीच वाली लेफ्ट कैरोटिड मतलब लेफ्ट साइड में नेक के दिखेगी, राइट वाली जो है उसको ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके फर्दर और दो ब्रांचेस, ये वाला ब्रांच राइट साइड ऑफ नेक में रहेगा, ब्रेन की तरफ जाएगा, इसलिए इसको राइट कैरोटिड आर्टरी, और ये राइट सबक्लेवियन, अरे मैंने क्लेवियन ही लिखा था क्या कल, सिर्फ राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये कैरोटिड आर्टरी है ये और ये, वेरेज ये कोरोनरी आर्टरी है, दीज आर द टू, ये राइट कोरोनरी ये लेफ्ट कोरोनरी है ना, उनका उससे कोई लेना देना, कैरोटिड और कोरोनरी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे अपन, कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली, तो ये टर्मिनोलॉजी अपने को पता है। दूसरा, कोरोनरी सर्कुलेशन में एक वर्ड आता है दैट इज कोरोनरी सल्कस, दैट इज कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस मतलब क्या, तो कोरोनरी सल्कस का मतलब होता है, यहां पर अपने को पता है सल्कस का मतलब होता है ग्रूव, सल्कस का मतलब होता है ग्रूव है ना, ग्रूव यानी गड्ढा, डिप्रेशन, ये वर्ड कहां पर आया है, ये वर्ड ब्रेन में आया है, वो ब्रेन में जो डिप्रेशन फील होता है वो वाला नहीं, नहीं वो वाला नहीं, ब्रेन का जो सरफेस रहता है, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन इज सब डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू गायराय एंड सल्काय, बराबर है, गायराय एंड सल्काय, तो सल्कस का प्लूरल है सल्काय है ना, तो वो वाला सल्कस, गायराय मतलब एलिवेशन, सल्काय मतलब डिप्रेशन, और जितना ज्यादा गायराय सल्काय रहेंगे ब्रेन में उतना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो
इंटेलिजेंस ज्यादा रहेगा. तो इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग इज नॉट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ब्रेन बट ऑन द नंबर ऑफ गायराय एंड सल्काय, अमाउंट ऑफ गायराय एंड सल्काय. ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि नियंडरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन का साइज ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्रोमैग्नन मैन, और क्रोमैग्नन मैन ज्यादा इवॉल्व है नियंडरथल मैन से. तो फिर ऐसा लगता है कि अरे उल्टा कैसे हो गया, ब्रेन साइज छोटा कैसे हो गया. तो ब्रेन साइज से इंटेलिजेंस का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रहा रहता तो वो WWF का जो ग्रेट खली है वो तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी रहा रहता, डायनासोर बहुत इंटेलिजेंट रह रहे थे, है ना. तो ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द गायरा एंड सल्काय. ठीक है, तो ये वो वाला सल्कस है, सल्कस यानी डिप्रेशन. तो एक कोरोनरी सल्कस अपने को कहां पर मिलता है, तो कोरोनरी सल्कस अपने को मिलता है फाउंड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. मैंने तुमको कल बताया था ना, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम तो रहता ही है, और कल के क्लास में मैंने एक और चीज बोला था कि उसमें सिर्फ मतलब सेप्टम ही नहीं रहेगा, नहीं थोड़ी जगह भी रहती है, थोड़ी एम्प्टी स्पेस भी रहती है. अपन जैसा डायग्राम में सीधा सीधा ऐसा डब्बा बना दिए, ऐसा सीधा सीधा डब्बा नहीं रहता है. ठीक है, थोड़ी स्पेस भी रहती है, थोड़ी कैविटी भी रहती है. तो उस कैविटी को, उस गड्ढे को, उस डिप्रेशन को बोलते हैं कोरोनरी सल्कस. ठीक है, तो क्या रहेगा कोरोनरी सल्कस में, इन विच ब्लड वेसल्स ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन आर प्रेजेंट. ठीक है, देखो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को वगैरह जो भी मतलब हार्ट के मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई कर दिया कोरोनरी आर्टरीज ने. अब ब्लड सप्लाई करने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ब्लड सप्लाई करने के बाद उन सेल्स ने, उन मसल के सेल्स ने जो CO2 बनाया है वो CO2 बाहर भी तो निकालना पड़ेगा उन सेल्स में से, जैसा बाकी टिश्यूज के साथ होता है वैसा ही हार्ट के साथ करना पड़ेगा. हार्ट को कोई अलग ट्रीटमेंट थोड़ी देंगे हम लोग, हार्ट को भी तो सेम ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, है ना. तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो हम हार्ट के मसल्स को सप्लाई करेंगे, और हार्ट के मसल्स में CO2 जो रहेगा वो बाहर निकलेगा, निकालेंगे सेल में से और उसको ब्लड में रिलीज कराएंगे, बराबर है. तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्प्लिट होगी इनटू आर्टेरियोल्स, कोरोनरी आर्टेरियोल्स, और फिर कोरोनरी आर्टेरियोल्स जो रहेंगे वो फर्दर स्प्लिट होंगे इनटू कैपिलरीज. ठीक है, कोरोनरी कैपिलरीज, ऐसे कोरोनरी बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं. तो कोरोनरी आर्टरी विल स्प्लिट होगी, विल स्प्लिट इनटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स विल फर्दर स्प्लिट इनटू कैपिलरीज. ये कैपिलरीज वो दो कार्डियक मसल्स के, वैसे दो कार्डियक मसल्स एकदम चिपक चिपक के रहते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में ऐसे ज्यादा कुछ खास खाली स्पेस तो रहती नहीं है, लेकिन फिर भी कैपिलरीज बन बन के एक एक इंडिविजुअल मसल तक वो जाएंगे. ठीक है, ये अपने को ज्यादा एक्सटेंसिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसल सेल्स का साइज बहुत बड़ा है. ठीक है, हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आधा बताया था, और मैंने बोला था कि बचा हुआ आधा मैं सर्कुलेशन के वक्त बताऊंगा. ठीक है, तो डिक्टेट कराऊंगा गाइडन से, ये भी बोला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी गाइडन है नहीं, तो वो डिक्टेशन में नहीं करा पाऊंगा. ठीक है, तो मुद्दा ये है कि हार्ट के मसल जो है वो सिंसिशियम है. ठीक है, टू बी फ्रैंक वो सिंसिशियम नहीं है, टू बी फ्रैंक वो सिनोसिटिक है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिंसिशियम बोला इसलिए मैं सिंसिशियम बोल रहा हूं. ठीक है, मतलब मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है, ब्रांच्ड रहते हैं वो. ठीक है, कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लियेटेड. तो एक एक कार्डियक मसल का सेल, मतलब एक सेल को तुम डिफाइन ही नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो काफी बड़े बड़े वो जो भी वो स्ट्रक्चर है, वो जो मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है वो काफी बड़ा बड़ा रहता है. तो काफी बड़ा रहने के कारण अपने को ऐसे माइक्रोस्कोपिक सेल्स नहीं रहेंगे कि उनके बीच बीच में अपने को कैपिलरीज घुसानी पड़ेगी, ऐसा अपने को नहीं करना पड़ेगा. दूसरी बात, वो टाइट जंक्शन से, टाइट जंक्शन का एक प्रकार है गैप जंक्शन नाम का, उससे वो एक दूसरे को अटैच रहते हैं, तो इसलिए उनके बीच में जगह भी नहीं है कैपिलरीज को घुसाने के लिए. ठीक है, समझ में आ रहा है. इसलिए बाकी टिश्यूज में जितना एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है, जैसा एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का, वैसा
हार्ट के मसल्स में उतना नहीं रहेगा, ठीक है। बट एनीवेज जो भी है, मुद्दा मेरा ये है कि हार्ट के मसल्स को इस प्रकार से ऑक्सीजन दिया जाएगा ब्रांचिंग ब्रांचिंग कर करके, कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग से, और हार्ट के मसल्स ने रेस्पिरेशन करके जो CO2 बनाया है, C6H12O6+6O2 गिव्स अस 6CO2+6H2O करके, हर एक सेल अलग अलग रेस्पिरेशन करती है अपना अपना, हर एक सेल के पास अपना अपना अलग अलग माइटोकॉन्ड्रियन है, और हर एक सेल अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, हर एक सेल अपने अपने अलग अलग 38 ATPs बनाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो वो जो CO2 बनाया है उसको वो ब्लड वेसल्स कोरोनरी आर्टरी के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कोरोनरी आर्टरी में से O2 गया हार्ट मसल्स के पास, और हार्ट मसल्स ने बनाया हुआ CO2 आ गया ब्लड फ्लो में। अब ये ब्रांचेस फ्यूज हो के बाहर जब निकलेंगे, मतलब हार्ट के मसल से जब बाहर हार्ट के मसल्स के पास जाएंगे तब O2 रीच जाएगा, है ना, और हार्ट के मसल्स के पास से जब बाहर निकलेंगे तो CO2 रीच बन के वो ब्लड बाहर निकलेगा, बराबर है ना। तो CO2 आ गया उसमें ब्लड में, और हार्ट में, हार्ट के मसल्स में चले गया O2। अब ये कैपिलरीज फ्यूज होकर बनेंगे वेन्यूल्स, बराबर, ये वेन्यूल्स फ्यूज होकर बनेगा वेन, बराबर। इस वेन को हम बोलेंगे कोरोनरी वेन, इस वेन को हम बोलेंगे कोरोनरी वेन। तो ये कोरोनरी वेन्स जहां पर मर्ज होती है ना, उस जगह को बोलते हैं कोरोनरी साइनस, उस जगह को बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है, उस जगह को हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस क्या है, तो उसके पहले एक बार एक चीज अपन देख लेते हैं कि साइनस यानी क्या है इन जनरल। साइनस, कोरोनरी साइनस छोड़ो, साइनस मतलब क्या है, तो साइनस के दो मीनिंग है, ठीक है। एक वो जो नाक में प्रेजेंट रहते हैं एम्प्टी कैविटीज, ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना साइनस का प्रॉब्लम है, दर्द होता है, सिर दर्द होता है वगैरह, ठीक है, तो वो एम्प्टी कैविटीज है, वो अलग साइनस है। ये मैं कौन सा साइनस बोल रहा हूं, तो साइनस का मीनिंग है जंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को बोला जाता है साइनस, ये एक चीज हो गई। दूसरा, नर्वस सिस्टम में अपन ने, इससे सर्कुलेशन से कुछ रिलेटेड नहीं है, बस ऐसा आया इसलिए मेरे को याद आया तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, जंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरा अपन ने बोला था जंक्शन ऑफ साइटॉन्स, इसको बोलते हैं प्लेक्सस, ये अपन ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे जंक्शन आया तो मेरे को याद आया तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। और तीसरा था गैंग्लियन, ये था जंक्शन ऑफ एक्सॉन्स, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में अपन ने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड को अगर अपन ने ऊपर से कट करके ऊपर से देखा तो अपने को क्या दिखता है, अपने को ऐसा दिखता है, ऐसा, ऐसे डॉर्सल रीजन से, ऐसे डॉर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन, तो ये डॉर्सल साइड से जो नर्व्स आ रहे ये सेंसरी रहते हैं, और वेंट्रल रीजन से जो जा रहे हैं वो मोटर रहते हैं, याद है ना, ये बीच में ऐसा एम्प्टी कैविटी, ऐसा कनाल रहता है, कैनल रहता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या अपने को। तो इसको अपन ने लेबल किया था डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये जो स्वोलन पोर्शन है ऐसा, इसको अपन ने बोला था डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और इसमें वेंट्रल वाले में जो ऐसा स्वोलन पोर्शन है इसको अपन ने बोला था वेंट्रल रूट गैंग्लियन। स्टेट बोर्ड की बुक में, न्यूक्लियस वालों को मैंने स्टेट बोर्ड की बुक का जेरोक्स दिया था, उसमें डायग्राम देख लेंगे, उसमें लेबलिंग भी दिया हुआ है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब दिस इज नथिंग बट जंक्शन ऑफ एक्सॉन्स, जंक्शन ऑफ साइटॉन्स मतलब प्लेक्सस, प्लेक्सस अपन ने देखा था कोरोइड प्लेक्सस, एपेंडाइमल सेल्स का प्लेक्सस था वो, एपेंडाइमल सेल्स का जंक्शन, बहुत सारे एपेंडाइमल सेल्स एक साथ आ गए थे, मतलब जंक्शन, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाना, है ना, तो वो CSF रिलीज करता था कोरोइड प्लेक्सस, बराबर।
तो प्लेक्सस गैंग्लियन, और सर्कुलेशन में अपने पास एक टर्म है दैट इज साइनस, साइनस मतलब जंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स रहे या डीऑक्सीजनेटेड वाले रहे डजेंट मैटर, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट वाले रहे या टूवर्ड्स द हार्ट वाले रहे डजेंट मैटर। इसलिए मैंने सिर्फ ब्लड वेसल लिखा है, आर्टरीज या वेन्स नहीं लिखा है। ब्लड वेसल्स का जंक्शन मतलब साइनस। तो कोरोनरी साइनस मतलब क्या है? इट इज अ जंक्शन ऑफ ऑल द कोरोनरी वेन्स और वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्स बोलना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है वेन्यूल्स ही बोलना चाहिए। कैपिलरीज फ्यूज होके वेन्यूल्स बने, वेन्यूल्स फ्यूज होके फिर फाइनली एक सिंगल कोरोनरी वेन बनेगा, तो वेन्यूल्स ही ज्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी है इसमें, ठीक है। जंक्शन ऑफ ऑल द कोरोनरी वेन्यूल्स, कोरोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया हार्ट के मसल्स को, और जो CO2 उठाया हार्ट के मसल्स में से, तो CO2 उठाकर जब हार्ट के मसल्स में से बाहर निकलेगा ब्लड वेसल, तो वो विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना, और वो मर्ज होगा, जंक्शन होगा उनका कहां पर होगा? तो पोस्टीरियर रीजन ऑफ द कोरोनरी सल्कस, ठीक है। कोरोनरी सल्कस मतलब क्या है? ग्रूव है। ये ग्रूव कहां पर मिलता है अपने को? एट्रियल वेंट्रिकल्स के बीच में। तो जितने भी कोरोनरी वेन्यूल्स है वो सब कोरोनरी वेन्यूल्स अल्टीमेटली हार्ट के मसल से आकर, उनका नेटवर्क ऐसा रहता है, उनकी अरेंजमेंट ऐसी रहती है कि वो सब CO2 जमा करके हार्ट के मसल्स से CO2 जमा करके वो सब कहां जमा होते हैं? तो कोरोनरी सर्कस में घुसते हैं, और फिर कोरोनरी सर्कस के पोस्टीरियर रीजन में, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, मतलब हार्ट के पीछे की तरफ, है ना, अपने पीठ की तरफ, ठीक है, डॉर्सल रीजन में अपने बॉडी के, ये कोरोनरी सर्कस में जंक्शन होगा, मर्ज होंगे, फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, और फाइनली कोरोनरी वेन तैयार हो जाएंगे, है ना। तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। किसका जंक्शन है ये? तो कोरोनरी वेन्यूल्स का, ठीक है। और फिर वहां पर सब वेन्यूल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होके, फ्यूज होके क्या बनता है? बड़ा सा कोरोनरी वेन। डज कोरोनरी वेन इज फॉर्म्ड विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द मसल्स ऑफ हार्ट, विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मसल्स ऑफ हार्ट। एंड देखो होना क्या चाहिए, कैपिलरीज ने फ्यूज करके वेन्यूज बनाया, वेन्यूज ने फ्यूज करके वेन बनाया, है ना। तो वेन ने फ्यूज होना चाहिए वेना कावा के साथ, आइदर सुपीरियर वेना कावा के साथ या इंफीरियर वेना कावा के साथ, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो कोरोनरी वेन है इसका अपना इंडिविजुअल ओपनिंग है, ये डायरेक्टली जाके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर देती है ये कोरोनरी वेन, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा कलेक्ट किया मसल्स ऑफ द हार्ट से और उसको पोर कर दिया कहां पर? राइट एट्रियम में, उसको वेना कावा के साथ ओपन, वेना कावा में पोर नहीं किया। दस राइट एट्रियम हैज थ्री ओपनिंग्स, पिछले दो तीन क्लासेस से ये चीज मैंने छुपा के रखी है तुमसे। राइट एट्रियम में अपन दो ही ओपनिंग्स दिखाते हैं, पिछले क्लासेस में अपन ने दो ही ओपनिंग्स दिखाई है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, है ना। लेकिन एक्चुअली तीन ओपनिंग्स है, कौन से? सुपीरियर वेना कावा, फिर इन्फीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अपने को फिर से अभी इस पार्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि कोरोनरी वेन का भी तो ओपनिंग रहेगा ना, कोरोनरी वेन का ओपनिंग उसको कौन गार्ड करता है? तो कोरोनरी वेन का ओपनिंग होता कहां पर है? तो कोरोनरी वेन का ओपनिंग बताया गया है कि इन्फीरियर वेना कावा और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में, मतलब यहां कहीं पर,
उसको अपन क्या नंबर दे देंगे, इसको अपन नंबर दे देंगे 8, इसको अपन नंबर दे देंगे 8, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में होता है, उनके मिडल में ऐसा बोला गया है। तो आठवां नंबर किसका है, आठवां नंबर है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन। इसको कौन गार्ड करता है, तो इसको गार्ड करता है थेबेसियन वॉल्व, इसको गार्ड करता है थेबेसियन वॉल्व, THEBESIAN, इट इज गार्डेड बाय थेबेसियन वॉल्व, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हो रहा है कि पूरे टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में आ रहे हैं, पूरे बॉडी के टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ठीक है। लेकिन हार्ट के मसल्स ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया है उसको लेकर भी तो राइट एट्रियम में ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। कल के क्लास में, उसके पहले के क्लास में बहुत बताया है मैंने कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो MSEDCL का ऑफिस रहेगा उनको भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वाटर प्यूरिफिकेशन का यूनिट रहेगा उनके पास भी एक वाटर के लिए नल रहेगा, वो ऐसा उसमें अपना ग्लास नहीं डुबाएंगे सीधा टैंक में, है ना। तो जैसे वाटर टैंक जो रहते हैं, ठीक है, सिटीज में जगह जगह वाटर टैंक्स रहते हैं, तो वो वाटर टैंक्स में अगर कुछ खराबी आ गई, कुछ करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो जो लेबरर्स को अपन ने काम दिया है कि वो वहां पर थोड़ा पेंट दे दो पानी की टंकी को चंद्रपुर के, ठीक है, पेंट दे दो या उसमें कुछ थोड़ा ब्रिक लगाना है, कुछ करना है, तो जो मजदूरों को अपन काम देंगे वो अपनी खुद की घर से वाटर बॉटल लेकर आएंगे ना, काम के दौरान प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए कि सीधा वो टंकी में टंकी का पानी लेकर पिएंगे, ऑफकोर्स नॉट, अपनी वाटर बॉटल लेकर आएंगे वो, है ना। तो वैसे ही हार्ट का भी, बार बार बता रहा हूं, हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना पड़ेगा और हार्ट के मसल्स ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया उसको भी निकल के राइट एट्रियम में डालना पड़ेगा। तो वो वाला ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालने का काम सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा नहीं करते, वो काम कोरोनरी वेन्स ही कर लेते हैं खुद ही, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता के कारण इनके क्या होगा कि राइट एट्रियम में तीन ओपनिंग्स रहेगी, एक सुपीरियर वेना कावा का, एक इन्फीरियर वेना कावा का और एक कोरोनरी वेन्स का, कोरोनरी वेन का। तो कोरोनरी वेन के ओपनिंग को गार्ड करता है थेबेसियन वॉल्व, ठीक है। फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड मतलब पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी का मतलब हार्ट के मसल्स का भी इंक्लूडेड, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया है वो पूरा राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके उस ब्लड को भेजा लंग्स की तरफ, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ब्लड घुसा कहां पर, तो पल्मोनरी आर्टरी में। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, अब वो वेंट्रिकल्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, हो गया ब्लड पंप कर दिया, अभी वेंट्रिकल्स नॉर्मल अपने रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में आएंगे तो प्रेशर कम होगा और इधर पल्मोनरी आर्टरी में जो गया हुआ ब्लड है वो वापस आने का डर रहेगा, बराबर, वो वापस आने का डर रहेगा, इसलिए उसके ओपनिंग को कौन गार्ड करके रखेगा, सेमिलुनर वॉल्व। फिर वो जाएगा ब्लड लंग्स के पास, लंग्स में वो प्यूरिफाई होगा और प्यूरिफाई होकर बाहर निकलेगा। प्यूरिफाई क्यों होगा अपने को मालूम है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास जा रहा है उसमें PCO2 की वैल्यू है 45 mm ऑफ Hg, है ना, और PO2 की वैल्यू है 40 mm ऑफ Hg, whereas alveoli जो है उसमें PCO2 की वैल्यू है 40 mm ऑफ Hg, whereas O2 की वैल्यू है 104 mm ऑफ Hg, है ना। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में से ब्लड में और CO2 ब्लड में से एल्वियोलाई में, ऐसा चले जाएगा। और फिर
जब लंग्स में से बाहर निकलेगा तो प्यूरिफाई होके बाहर निकला हुआ रहेगा। फिर वो ब्लड जब राइट एट्रियम के पास आएगा, दो ओपनिंग्स है राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन की, है ना, तो वो ओपनिंग्स को कौन गार्ड कर रहा है, रुको गार्ड के ऊपर बाद में आते हैं, तो वो ओपनिंग्स उससे वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ब्लड वेंट्रिकल में जाए, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड वापस पल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी पल्मोनरी वेन में चढ़ने का डर रहेगा, वापस लंग्स की तरफ जाने का ब्लड डर रहेगा, इसलिए वो पल्मोनरी वेन का ओपनिंग ऑब्लिक है, बराबर, ताकि ये चीज ना हो। सिमिलरली राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में फेंक रहा है तो उस समय वो ब्लड वापस इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा में ना जाए, इसलिए इन्फीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन वॉल्व, सुपीरियर वेना कावा का ऑब्लिक ओपनिंग और कोरोनरी वेन का ओपनिंग इज गार्डेड बाय थेबेसियन वॉल्व, ठीक है। अब वो ब्लड भी जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड का भी। अब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वापस एट्रियम में चढ़ने का डर रहेगा, अदर देन पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एरोटा, वो वापस एट्रिया में भी जा सकता है, ये डर रहेगा, तो उसको कौन गार्ड करता है, तो लेफ्ट साइड के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व और राइट साइड का एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज मित्रल वॉल्व, ठीक है। तो कौन सी वॉल्व है अपने पास, बाइकस्पिड ऑल्सो कॉल्ड एज मित्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड, ठीक है, उसका तो और कोई नाम नहीं है, ठीक है। फिर यूस्टेचियन वॉल्व इन्फीरियर वेना कावा वाला, थेबेसियन वॉल्व कोरोनरी वेन वाला, ठीक है, और सेमिलुनर वॉल्व्स पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एरोटा वाला, और ऑब्लिक ओपनिंग सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। यूस्टेचियन वॉल्व, थेबेसियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व्स एंड ऑब्लिक ओपनिंग्स। आई होप दिस इज सिंपल, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, इंफीरियर वेना कावा जो है इसके लिए एक और नाम है, दैट इज प्री केवल वेन, प्री केवल वेन, ठीक है, और दूसरा सुपीरियर वेना कावा जो है उसका नाम है पोस्ट केवल वेन, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, ये तो खैर एनसीईआरटी का डेटा नहीं है तो एमसीक्यूज में दिखता है इसलिए बता दे रहा हूं, लेकिन तीसरी चीज अभी जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का भी डेटा है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, अपन हार्ट का जो बीटिंग रहता है ऐसे हार्ट पे अपन ने हाथ रखा है फिर स्टेथोस्कोप अगर रखा तो धक 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 जो अपने को सुनाई आता है उसको एनसीईआरटी या साइंटिफिक भाषा में धक धक नहीं बोलते हैं, उसको लब डब बोलते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज लब डब नॉट धक धक। हिंदी पिक्चर वालों को बताना पड़ेगा, पूरे गाने ही चेंज हो जाएंगे बढ़िया, ठीक है। तो एवी वॉल्व्स के क्लोजर के कारण, एवी वॉल्व जो क्लोज होता है उसके कारण जो आवाज आता है उसको बोलते लब, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, और सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज होने के कारण जो आवाज आता है उसको बोलते हैं डब, दिस इज द सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है ही, पर अभी जो ये मैं जो तीसरी चीज बोल रहा हूं ना, ये तीसरी चीज समझने के लिए अपने को ये मतलब समझने के लिए नहीं, लेकिन इस लब डब से वो तीसरी चीज के ऊपर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड दैट तीसरी चीज, वो है कि एक्चुअली हार्ट वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है मतलब वो तो अपने को समझ गया,
लंग्स से प्योर ब्लड लेकर बॉडी को देने का, बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेकर लंग्स को देने का। इट इज जस्ट अ पंपिंग मशीन। पंप है सिर्फ पंप, जैसे अपने घरों में लगा रहता है ठीक है पानी को ऊपर खींचने के लिए, बस वैसा पंप है वो, और कुछ कुछ चीज और कुछ नहीं हार्ट मतलब ठीक है। लेकिन कितने समय, कब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को बाहर फेंकेंगे, कब वो ब्लड लंग से अंदर आएगा, कितना समय लगेगा, वो सब थोड़े से डिटेलिंग देखने पड़ेंगे ठीक है। तो उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक इज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, और साइकिल मतलब वही डबल सर्कुलेशन है ना, पूरा साइकिल चलता रहता है ना, लंग्स में से ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वहां से बॉडी में, बॉडी से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर से लंग्स के पास, एक साइकिल खत्म हुआ है ना। तो ये साइकिल कितने समय का रहता है, कैसा होता है, ये सब अपने को देखने का है ठीक है। बहुत फालतू चीज है, बहुत ही इजी चीज है कार्डियक साइकिल, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी एकदम इजी, अगर तुमको बस दो चीजें पता रही तो, दो भी नहीं एक ही, एक ही चीज। अब दूसरा थोड़ा सा 50% मतलब दूसरा जो दूसरी चीज जो है वो थोड़ी सी छोड़ो, दो चीजें पकड़ लो, दो चीजें बस तुमको पता रहनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ठीक है, अपने को अब तक क्या लग रहा है, जो पहली बार हार्ट पढ़ रहे हैं तुम में से, जो भी ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम हार्ट पढ़ रहे हैं, 11th 12th का, 10th वाला नहीं, 10th वाला तो तुम टेंथ में पढ़ चुके हो, 11th 12th में आने के बाद पहली बार जो लोग हार्ट पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मैंने जब 11th 12th में पहली बार हार्ट पढ़ा था तब तक मुझको भी यही लगता था कि दोस्ती इसके बीच में होगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये दोनों दोस्त होंगे, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इनके बीच में दोस्ती होगी। मतलब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता होगा, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को लंग्स के पास भेजता होगा, दोनों का काम हो गया। अब राइट लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो प्रेशर घटेगा, तो लंग्स में से ब्लड को वो खींचेगा, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा टिश्यूज में, इन दोनों का काम हो गया ठीक है। फिर टिश्यूज, फिर राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, टिश्यूज में से ब्लड को खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि टिश्यूज में से जो ब्लड वेसल्स बाहर निकल रहे हैं उनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि वो जाके वेना कावा को फ्यूज होते हैं, वेना कावा इसमें खुलता है, तो ये जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, रिलैक्स होने के बाद प्रेशर घटेगा तो उसमें जो भी ट्यूब्स है वो उसमें से ब्लड को खींचेगा। ट्यूब्स कौन सी है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन को छोड़ो फिलहाल के लिए, तो पूरे टिश्यूज में से ब्लड को खींचेगा डीऑक्सीजनेटेड, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास भेजेगा, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर लंग्स के पास जाएगा, इन दोनों का काम हो गया, फिर ये दोनों काम करेंगे, 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 ऐसा अपने को लगता है। गलत है, गलत लगता है ये, ऐसा ही इसी भाषा में लिखोगे तुम लोग नोट्स बनाते वक्त, भले ही इसको ऐसा ट्रिक बोल दो, ट्रिक ट्रिक करके लेबल कर दो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में लिख कर आओगे ऐसा, नहीं नहीं नहीं, बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखने का, ट्रिक है ये ठीक है। दोस्ती इनकी इनकी नहीं है, दोस्ती राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की, मतलब एट्रिया एट्रिया भाई भाई, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल भाई भाई, बस इतना अपनों को याद रखने का है, खत्म हो गया कार्डियक साइकिल। फालतू चीजें फालतू, एकदम ही सिंपल, मतलब पहले ये दोनों काम करेंगे, फिर ये दोनों काम करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, रॉन्ग, पहले एट्रिया काम करेंगे दोनों और फिर वेंट्रिकल्स काम करेंगे दोनों, दिस इज करेक्ट, बस कार्डियक साइकिल इज ओवर, ओवर कार्डियक साइकिल, इतना इजी है। क्या सर क्या बोल रहे हो, पगला गए हो क्या, इसमें क्या इजी है, क्या समझा हमको, कुछ भी नहीं समझा, मैं तो वीडियो बंद करके सोने की सोच रहा हूँ। ना नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को, अपने को वीडियो कंटिन्यू करने का है फटाक से एकदम, नॉट अ बिग डील एट ऑल। राइट एट्रियम अच्छे बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल चीज है, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है,
मैंने क्या बोला कि पहले एट्रिया काम करेंगे दोनों, फिर वेंट्रिकल्स काम करेंगे दोनों, दोस्ती इन दोनों की है एक दूसरे के साथ, दोस्ती इन दोनों की है एक दूसरे के साथ, इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों की दोस्ती, ऐसा नहीं है, है ना? हार्ट इज नॉट लाइक दिस कि पहले ये दोनों काम करेंगे फिर ये दोनों का, नो रॉन्ग। हार्ट इज लाइक दिस, पहले ये दोनों काम करेंगे फिर ये दोनों काम करेंगे, पहले एट्रिया काम करेंगे फिर वेंट्रिकल्स काम करेंगे, ठीक है? ये एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बता रहा हूं मैं, कार्डियक साइकिल पे आ रहा हूं, डोंट वरी। मैंने बोला था कि दो ही चीजें तुमको बस समझ में आनी चाहिए कार्डियक साइकिल के लिए, फिर मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि दूसरी चीज वैसे इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो बता देता हूं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ब्लड जो है, एक कॉमन क्वेश्चन अपने मन में आ सकता है कि एट्रिया का साइज छोटा है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, है ना? हर डायग्राम में मैंने एट्रिया का साइज छोटा बनाया है वेंट्रिकल से, इसमें तो अच्छा खासा डिफरेंस आया है, है ना? तो एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो इतना जमा होगा, और ये ब्लड जब वेंट्रिकल में जाएगा तो इतना ही वेंट्रिकल भरेगा, पूरा वेंट्रिकल भरेगा ही नहीं, क्योंकि राइट एट्रियम से जो ब्लड आया वही तो वेंट्रिकल में जाएगा ना। लेफ्ट एट्रियम में इतना ब्लड आया सपोज, तो उतना ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, इतना ही वेंट्रिकल भरेगा, बाकी वेंट्रिकल खाली रहेगा, बराबर है? है ना? तो ये वेंट्रिकल का साइज एट्रियम से बड़ा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी बात छोड़ो, एक ही बात पे और फोकस करते हैं पहले। तो उसका आंसर एकदम सिंपल है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया हुआ ब्लड कहां जाता है? तुम बोलोगे सर टिश्यूज के पास, नहीं, फाइनल चाहिए मेरे को लंग्स के पास, नहीं, उतना भी फाइनल नहीं चाहिए, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ मेरे को, हार्ट के चार चेंबर्स के हिसाब से मेरे को बताओ कि ब्लड कहां पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया हुआ ब्लड कहां पे जाता है? सर राइट एट्रियम के पास, पहले टिश्यूज के पास जाएगा और फिर टिश्यूज से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। गला रॉन्ग। मैंने क्या पूछा? मैंने बोला फाइनल डेस्टिनेशन, उसका फाइनल डेस्टिनेशन। सर लंग्स बताया तो था फाइनल डेस्टिनेशन कि लेफ्ट एट्रियम से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यूज से लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग। अरे उतना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, हार्ट के हिसाब से बताओ मेरे को, सिर्फ चार चेंबर्स की भाषा में बताओ मेरे को कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड जाएगा कहां? तो राइट एट्रियम सही तो है, फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए। आंसर है राइट वेंट्रिकल, उसका फाइनल डेस्टिनेशन हार्ट के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है राइट वेंट्रिकल, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे को समझ रहा है कि ये सेकंड पॉइंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, कार्डियक साइकिल समझने के लिए। बस ये दो चीजें समझ गए तो कार्डियक साइकिल चिल्लर खत्म है, कार्डियक साइकिल बकवास, थर्ड क्लास चीज है एकदम। ये दोनों चीजों में कुछ भी डाउट रहा तो तुरंत पूछोगे, थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फाइनल डेस्टिनेशन हार्ट के चार चेंबर्स के हिसाब से अगर बोलोगे, लंग्स या टिश्यूज, ऐसा आंसर नहीं चाहिए मेरे को, हार्ट के चार चेंबर्स के हिसाब से अगर तुम बोलोगे तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन राइट एट्रियम थोड़ी है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन राइट वेंट्रिकल है, थ्रू राइट एट्रियम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है कि राइट एट्रियम से गुजर के वो राइट वेंट्रिकल में आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अल्टीमेटली वो आता तो राइट वेंट्रिकल में ही है ना,
सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड, राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड गोज वेयर, अगेन अपने को चाहिए फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन लेकिन लंग्स या टिश्यूज के हिसाब से नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट। ये जब बाहर निकलेगा राइट वेंट्रिकल से निकला ब्लड, जब वापस हार्ट में आएगा तो हार्ट में कहां कहां जाएगा? हार्ट के चेंबर्स के हिसाब से मेरे को उसका फाइनल डेस्टिनेशन बताओ, फिर से बाहर निकलने तक वो आखिरी में कहां तक जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा राइट एट्रियम में, अरे यार राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हार्ट के चार चेंबर्स के हिसाब से उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अलग चीज है कि थ्रू मतलब वाया वो लेफ्ट एट्रियम जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, ये चीज दिमाग से निकाल दो। नहीं, वाया राइट एट्रियम, वाया मतलब थ्रू है ना, मैं अगर चंद्रपुर नागपुर से चंद्रपुर आता हूं तो मेरे को बताओ मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है चंद्रपुर। रास्ते में मेरे को वरोरा पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, रास्ते में मेरे को भद्रावती पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो चंद्रपुर है कि नहीं, है ना? तो जब मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला तो रास्ते में मेरे को भद्रावती पड़ा, भद्रावती बोले तो टिश्यूज, भद्रावती के बाद मेरे को चंद्रपुर पड़ा, चंद्रपुर बोले तो राइट सॉरी वरोरा पड़ा, वरोरा बोले तो राइट एट्रियम। लेकिन ये मेरे फाइनल डेस्टिनेशन है क्या? नहीं, फाइनली मैं जाऊंगा चंद्रपुर, मतलब राइट वेंट्रिकल। मैं रोकता हूं अभी, क्लास में बहुत गलतियां कर रहा हूं राइट लेफ्ट और एट्रियल वेंट्रिकल में, मेरे को बहुत भूख लगी है अभी, अभी मैं फटाफट फटाफट खत्म करता हूं दो पॉइंट बताकर, क्योंकि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भूख के चक्कर में। बस इतना ध्यान रखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले हुए ब्लड को रास्ते में टिश्यूज मिलेंगे, रास्ते में राइट एट्रियम मिलेगा, सब ठीक है यार, लेकिन जाएगा तो वो राइट वेंट्रिकल में ही ना अल्टीमेटली। क्यों जाएगा राइट वेंट्रिकल में अल्टीमेटली? राइट एट्रियम में रुका हुआ रहेगा सर। अरे नहीं रे, वरोरा में सिर्फ 2 मिनट बस रुकती है, नहीं रुकती है वरोरा में ज्यादा देर। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वो नहीं रुक सकता वहां पे ज्यादा देर, क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम का जो फ्लोर है वो फ्लोर पे ऐसा वॉल्व है, ट्रैप डोर। ट्रैप डोर यानी क्या? तो अपने रूम के लिए एक मेन दरवाजा तो रहता ही है, रूम का तो दरवाजा रहता ही है, खिड़की अगर स्लाइडिंग डोर वाली खिड़की नहीं रही तो खिड़की में भी तो दरवाजा रहता है ना, विंडो पेन बोलेंगे अपन उसको, है ना? उसके अलावा एक और जगह पे दरवाजा रह सकता है, दैट इज तहखाने में, तहखाना अंडरग्राउंड सीक्रेट लैबोरेटरी, है ना, या खजाना छुपाने के लिए बनाया हुआ अंडरग्राउंड रूम। तो उसका दरवाजा कहां रहेगा? उसका दरवाजा तो जमीन पे रहेगा ना, उस दरवाजे को बोलते हैं ट्रैप डोर, वैसे दरवाजे को बोलते हैं ट्रैप डोर। ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसको अपन ट्रैप डोर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्व का काम क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करना है ना। तो ये जो ट्रैप डोर है ये एट्रियम से वेंट्रिकल में अलाउ करती है जाना, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाने देता ये ट्रैप डोर, ये वॉल्व। तो यहां पर जब ब्लड आएगा तो ग्रेविटी के कारण ऑफकोर्स वो जमीन के ऊपर
एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा उसके वेट के कारण, उसके वजन के कारण, तो ट्रैपडोर खुल जाएगा और ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। सिंपल चीज है, राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे, डजेंट मैटर, एट्रियम में ब्लड जमा होता ही नहीं है, दैट इज द सीक्रेट। तुमको अब तक क्या लगता था, तुमको दो चीजें लगती थी, एक तो ये वाली है ना, ये गलत चीज है दोस्ती, राइट साइड और लेफ्ट साइड की नहीं है दोस्ती, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की है, मतलब एट्रिया एट्रिया दोस्त दोस्त, वेंट्रिकल वेंट्रिकल दोस्त दोस्त, इम्प्योर इम्प्योर प्योर प्योर दोस्त दोस्त, ऐसा नहीं है, दैट इज रॉन्ग, एट्रिया एट्रिया दोस्त दोस्त, वेंट्रिकल वेंट्रिकल दोस्त दोस्त, ये पहली चीज याद रखना है। और दूसरा अपने को याद रखना है, अब तक तुमको क्या लगता था, अब तक तुमको ये लगता था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड निकल के राइट एट्रियम में जाके जमा होता है और फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है, ऐसा तुमको लगता था, दिस इज रॉन्ग। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजता ही नहीं है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। ब्लड ऑटोमेटिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चले जाता है, ब्लड ऑटोमेटिकली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सिंपल सी चीज है। जैसे ही एट्रियम में ब्लड आएगा, एट्रियम के नीचे की तरफ जो जमीन है एट्रियम की, एट्रियम को अगर अपन ने रूम की तरह ट्रीट किया तो एट्रियम का जो फ्लोर है उस फ्लोर पे एक ट्रैप डोर है ना, तुमने कार्टून्स में या मूवीज में वगैरह ऐसा देखा होगा, ऐसा किसी को पकड़ने के लिए जमीन में गड्ढा खोद के रख लेंगे और उसके ऊपर भूसा डाल देंगे, फिर जैसे उसके ऊपर कोई पैर रखेगा वो ट्रैप डोर खुल जाएगा, भूसा हट जाएगा और वो सीधा गड्ढे में गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यार उसमें क्या दिमाग लगाना है, क्या मुश्किल है उसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं, फालतू चीज है एकदम, ग्रेविटी बचपन से पता है अपने को, बस वही वाली ग्रेविटी के कारण एट्रियम में राइट रहे लेफ्ट रहे डजेंट मैटर, देखो मैंने इधर राइट लेफ्ट लिखा भी नहीं है, ये रहे डजेंट मैटर, इसके भी तो फ्लोर पे ट्रैप डोर है ना, जैसे ही ब्लड आएगा वैसे ही ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और ब्लड ऐसा तुमको जो अब तक लगता था कि ब्लड ऐसा यहां पर जमा हो जाता है और फिर जमा होने के बाद उसको वेंट्रिकल में वो पंप करके भेजता है, तब तक वेंट्रिकल खाली पड़ा रहता है, ऐसा जो तुमको लगता था दैट इज रॉन्ग। इधर से निकला हुआ ब्लड ऐसा आएगा रुकेगा नहीं इधर, कि इधर पहले जमा होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर, हाँ ऐसा आएगा सीधा राइट वेंट्रिकल में, तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के सीधा राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में रुका नहीं रहेगा कि पहले पूरा यहां पर कलेक्ट हो जाने दो, फिर यहां पर कलेक्ट होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करके उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल खाली पड़ा रहेगा, नो रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, यहां पर जब ब्लड ऐसे जमा होने लगेगा, यहां पर बहुत गंदा हो गया डायग्राम, कोई भी वेंट्रिकल रहे डजेंट मैटर, कोई भी एट्रियम रहे डजेंट मैटर, ब्लड जब आएगा तो ब्लड इसमें जमा होने लगेगा है ना, ब्लड जमा होने लगेगा तो उसके कारण ये जो ट्रैप डोर है ये ट्रैप डोर खुल जाएगा, सीधी सी बात है यार, ग्रेविटी के कारण खुल जाएगा ऑफ कोर्स, और वो ब्लड सीधा नीचे वेंट्रिकल्स में फ्लो होना चालू हो जाएगा, सीधा ब्लड नीचे फ्लो होना चालू हो जाएगा, ऐसा रुका उका नहीं रहेगा वो एट्रियम में कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब मैं जाऊंगा नीचे, ऐसे पॉसिबल है, इसको लॉक थोड़ी है, इसको लॉक करके रखा हुआ है, कड़ी लगा के रखी हुई है दरवाजे की, कि रुक रहे ब्लड पूरा जमा होने दे फिर ही हम तो कड़ी खोलेंगे, ऑफकोर्स नॉट, ट्रैपडोर है वो, जैसे वजन आएगा ग्रेविटी के कारण खुलेगा और ब्लड अंदर वेंट्रिकल में चले जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से भी निकला हुआ ब्लड सीधा लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ट्रैपडोर खुलेगा और सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड सीधा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसको ये वाले ब्लड को रास्ते में टिश्यूज और राइट एट्रियम पड़ेगा,
इधर से निकले हुए ब्लड को रास्ते में लंग्स और लेफ्ट एट्रियम पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्टीमेटली वो सीधा नॉन स्टॉप कहां जाकर रुकेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाकर रुकेगा। यहां से निकला हुआ ब्लड यहां पर जमा नहीं होगा, समझे क्या? अब इसके कारण दो क्वेश्चंस तैयार होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तैयार होता है कि सर इतने बार आपने बोला है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और हमने टेंथ में भी पढ़ा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो उसका क्या? तो एट्रिया बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट इज ट्रू। लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ही ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा ऐसा नहीं है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुए तो भी ब्लड ग्रेविटी के कारण ट्रैपडोर ओपन होके वेंट्रिकल में जाएगा ही, लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से फायदा ये होता है कि ब्लड की एट्रिया से वेंट्रिकल में जो मूवमेंट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स बाय 30%। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और कंसेप्ट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं भैया? 30% से एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर एट्रिया खराब हो गए और एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर दिया ना, तो ब्लड जितना वेंट्रिकल्स में नॉर्मली जाता था उससे 30% कम जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल्स खाली पड़े रहेंगे, वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्लड 100% वेंट्रिकल्स में जाएगा, बस अगर एट्रिया खराब होगा तो 30% से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। देखो इधर जो ऐसा इधर कॉर्नर्स में कुछ फंसा हुआ ब्लड रहेगा, ऐसा अगर कुछ ब्लड रहा इधर उधर फंसा हुआ अगर, ठीक है, तो वो एक तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ग्रेविटी के कारण नीचे जाना ये काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना, कि ब्लड जमा होगा, फिर वो ब्लड ब्लड जैसे यहां से वेना कावा के थ्रू ब्लड आया, सपोज राइट एट्रियम है, तो पहले ब्लड ऐसा इधर जमा होगा, फिर ऐसा फ्लो होते 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 धीरे 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 वॉल्व की तरफ, ट्रैपडोर की तरफ जाएगा, है ना, वॉल्व जो ट्रैपडोर की, फिर वो ट्रैपडोर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, फिर वो नीचे जाएगा, है ना, बूंद बूंद करके गिरेगा ऊपर से, स्पीड गिरने की थोड़ी स्लो रहेगी, ये सब चीजें रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि इधर उधर कॉर्नर्स में अगर फंसा हुआ कुछ ब्लड के ड्रॉप्स होंगे तो वो भी वेंट्रिकल में चले जाएंगे। दूसरी बात, स्पीड बढ़ जाएगी ब्लड की जाने की, ऐसा बूंद बूंद करके नहीं गिरेगा ब्लड वेंट्रिकल्स में, ठीक है, या धार के समान भी गिरता होगा वेंट्रिकल्स में तो भी और ज्यादा फास्ट धार लग जाएगी ब्लड की एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए। यार सिंपल फिजिक्स से, अच्छे से कॉमन सेंस से सोचो, ठीक है। तीसरा, अगर कभी अगर अपन शीर्षासन कर रहे होंगे कि अपने एट्रिया नीचे हो गए और वेंट्रिकल्स ऊपर हो गए, अब इस समय शीर्षासन हैंड स्टैंड करते वक्त, है ना, अब ग्रेविटी का रोल खत्म हो जाएगा शीर्षासन के वक्त, तुम बोलोगे क्या सर इसके लिए शीर्षासन नहीं करने का सिंपल उपाय है? अरे हाँ, हम नोइंगली शीर्षासन नहीं किया ये अपन कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आ सकते हैं जिसमें अपने को अपसाइड डाउन होना पड़े। जैसे स्टोनेज मैन को इमेजिन करो, स्टोनेज मैन भाग रहा है, स्टोनेज मैन के पीछे टाइगर भाग रहा है ना, और स्टोनेज मैन को दिखा कि सामने अभी खाई है, पर खाई के नीचे नदी है, बढ़िया कूद गया है बढ़िया खाई में, कि अभी अपने को टाइगर कुछ नहीं कर पाएगा, अपन नदी में कूद जाएंगे, तो उस समय डाइव मारना सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि नहीं, है ना, तो डाइव मारेगा तो सिर नीचे पैर ऊपर होंगे ही, सवाल ही नहीं, बराबर। कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नो, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें सिर नीचे पैर ऊपर हो गए, अगर अपन उल्टे हो गए तो उस समय फिर ग्रेविटी के कारण एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा, उस समय भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अपने को हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसी कोई कंडीशन, या अपन जब सोए हुए हैं तो उस समय भी ग्रेविटी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उस समय वेंट्रिकल नीचे, चलो वो बहुत ही घटिया एग्जांपल था लेकिन सोने वाला एग्जांपल तो बढ़िया है ना। और स्टोरेज मैन को छोड़ो, अपने को इमेजिन करो, अपन तो लॉकडाउन में है, 12-12 घंटे सोना है, तो एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए,
नहीं हुए तो अपन मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होने से इधर उधर फंसे हुए ब्लड के ड्रॉपलेट्स एक तो वेंट्रिकल में चले जाएंगे, ब्लड के फ्लो का रेट, ब्लड के फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन जिसमें हो सकता है ग्रेविटी काम ना करे, जिसमें अपन अपराइट पोजीशन में ना रहे, ऐसी कंडीशन जब लाइफ में आएगी तभी भी ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं रुकेगा, क्योंकि तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, तो इन एनी केस एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। ठीक है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ब्लड फ्लो 30% से एफिशिएंसी ब्लड फ्लो की बढ़ती है, पर बाकी अगर अपन अपराइट कंडीशन में है तो उस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ तो भी सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चले जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंपलसरी नहीं है, उससे बस एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एट्रियम बनाया ही क्यों, फिर सीधा वेंट्रिकल्स में ब्लड को खींच लेते, यहां से ऐसा टिश्यूज में जाता ब्लड और टिश्यूज में से सीधा वेंट्रिकल में ही आ जाता, कलेक्टिंग चेंबर अलग और डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर अलग बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी इवोल्यूशन को। ऐसा क्वेश्चन अगर किसी के मन में आया है तो बहुत ही सिली क्वेश्चन रहेगा वो, क्योंकि तो अगर ये रिलैक्स होने के बाद सपोज ऐसा इमेजिन करो, हाँ ये टू चेंबर हार्ट हो जाएगा ना, फिर एट्रिया नाम की कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ दो वेंट्रिकल्स रहेंगे फिश के समान, कैसे वर्क करेगा यार, कलेक्टिंग चेंबर और पंपिंग चेंबर अलग रखना ही पड़ेगा। इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर फेंका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास गया है ना, और टिश्यूज ने ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने, अभी तो उसमें एट्रियम रहेंगे ही नहीं ना उस केस में, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत अगर नहीं है उससे सिर्फ वैसे भी 30% एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो एट्रिया इवॉल्व ही क्यों किए, एट्रिया एग्जिस्ट ही क्यों किए, ऐसा क्वेश्चन अगर किसी के मन में आया तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखो, इसने टिश्यूज में ब्लड को भेजा, टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होने के कारण आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ब्लड इसमें आएगा है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को अपने को क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ही जोर से भूख लगी है मेरे को, भगो सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, फटाफट लेक्चर बंद कर रहा हूं मैं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, और एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड टिश्यूज में गया, टिश्यूज से ये वाला वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाएगा तो टिश्यूज से ब्लड इसमें आ जाएगा है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जाएगा लंग्स में, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग से प्यूरिफाई होके वापस यहां पर आ जाएगा। एट्रिया को हटाई दो ना, क्या जरूरत है, यही क्वेश्चन है ना दूसरा क्वेश्चन, कि व्हाई डज एट्रिया एग्जिस्ट, एट्रिया की जरूरत ही क्या है, सीधा जब वैसे भी वो ग्रेविटी के कारण एट्रिया में वैसे भी ब्लड जमा ही नहीं हो रहा है, सीधा वेंट्रिकल्स में जा ही रहा है, तो सीधा उसको एब्जॉर्ब भी वेंट्रिकल्स में कर लो है ना, तो एट्रिया की जरूरत नहीं, लंग्स में से सीधा वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फिर से इधर जाएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फिर से इधर जाएगा, बराबर है। ऐसा इवोल्यूशन ने सिस्टम क्यों नहीं बना, एट्रियम की जरूरत, एट्रिया की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए थी अगर ऐसी बात है तो, है ना, एकदम स्वाभाविक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, मतलब बिल्कुल ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर मतलब क्वेश्चन है बहुत सिली, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आंसर भी बहुत सिली है, इसका आंसर मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, जब मैं तुमको कार्डियक साइकिल की वैल्यूज बताऊंगा और कार्डियक साइकिल एक बार अपन पूरा अच्छे से देख लेंगे, तब नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुमको दूंगा। ठीक है, तो अभी अपने को सिर्फ दो चीजें कौन सी याद रखनी है कार्डियक साइकिल समझने के लिए, जो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, कि दोस्ती इम्प्योर इम्प्योर प्योर प्योर ऐसी नहीं होती है, दोस्ती एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल ऐसी होती है ना। ठीक है, दोस्ती ऐसी वर्टिकल नहीं है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की दोस्ती, रॉन्ग, दोस्ती हॉरिजॉन्टल है,
राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की दोस्ती, यस, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की दोस्ती, यस, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, एट्रिया का अलग चलते रहेगा, वेंट्रिकल का अलग चलते, दोनों वेंट्रिकल्स की एक दूसरे के साथ दोस्ती, दोनों वेंट्रिकल्स की एक दूसरे के साथ दोस्ती, यस। ये ऊपर वाला क्या कर रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इनकी नो दोस्ती, भले ही इम्प्योर इम्प्योर है तो भी नहीं, इसकी दोस्ती इसके साथ, भले ही अपोजिट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड है लेकिन दोस्ती इसकी वेंट्रिकल वेंट्रिकल की है, इधर एट्रियम एट्रियम की दोस्ती है। ये चीज अपने को इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा अपने को याद रखना है कि एट्रिया में ब्लड नहीं भी गया तो भी चलेगा, एट्रिया में ब्लड नहीं भी गया तो भी चलेगा, ऐसा हार्ट एग्जिस्ट कर सकता है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। एकदम ही सिली क्वेश्चन है, एकदम ही सिली आंसर है, ठीक है, लेकिन आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है कि एट्रिया में ब्लड, मतलब एट्रिया में ब्लड जाके कुछ खास काम नहीं होता है, वैसे भी एट्रिया, उस एट्रिया से ब्लड डायरेक्टली बिना एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के वेंट्रिकल्स में चले ही जाता है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से बस थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो एफिशिएंसी बढ़ानी थी तो भाई एट्रिया को बनाना ही नहीं चाहिए था, सीधा वेंट्रिकल्स में पोर कर देना था ब्लड, एफिशिएंसी बढ़ाने का वगैरह झंझट ही नहीं, बिल्कुल ऐसा हार्ट एग्जिस्ट कर सकता था, इवोल्यूशन ऐसा हार्ट बना सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बनाया, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, गुड बाय। कुछ भी डाउट रहा तो बिल्कुल पूछो, बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। अभी कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में जब नई नई कंसेप्ट आती है तो डिफिकल्ट लग सकता है ना, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, एक्सट्रीमली इजी चैप्टर है। जो भी तुमको नहीं समझ में आया होगा, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क मी एनी क्वेरीज दैट यू माइट बी हैविंग, ठीक है। और एनसीईआरटी वगैरह कुछ मत पढ़ो, जितना मैं वीडियोस बना रहा हूँ उतने वीडियोस देखो, बाकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, तुम लोग खुद कुछ मत करो, ठीक है, फालतू कन्फ्यूजन होगा, दैट यू विल रीड इन माई गाइडेंस, अंडर माई गाइडेंस, ठीक है, गुड बाय।